हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू टू फ्लाई। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कासी रेंट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ रेंट चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कासी रेंट। सो कंसेप्ट ऑफ कासी रेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर मार्शल। डॉक्टर मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था ये टॉपिक। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एडिशनल इनकम अर्न बाय द फैक्टर्स अदर देन लैंड। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड को छोड़ के जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं उनसे जो हमें एडिशनल इनकम मिलती है उसको कहते हैं कासी रेंट। और इन सब की सप्लाई जो होती है वो फिक्स्ड होती है शॉर्ट पीरियड में। तो कासी रेंट बेसिकली शॉर्ट पीरियड पे ही अप्लाई होता है, लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स ऑफ मार्शल द टर्म कासी रेंट विल बी यूज्ड इन द प्रेजेंट वॉल्यूम एज इनकम डराइव्ड फ्रॉम मशीन्स एंड अदर अप्लायंसेज ऑफ प्रोडक्शन मेड बाय मैन। तो बेसिकली मशीन्स के थ्रू हमें क्या प्रोडक्शन हो रही है, मशीन्स के थ्रू हमें क्या एडिशनल इनकम मिल रही है बाय प्रोड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, उसको कहते हैं कासी रेंट। तो कासी रेंट जो है लेटिन वर्ड से डराइव हुआ है मीनिंग एज इफ। तो ये एग्जैक्टली रेंट नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट रेंट होता है। दिस इज एज इफ रेंट, नॉट एग्जैक्टली रेंट। सो मार्शल ने कहा था कि लैंड जो है वो इसीलिए रेंट अर्न करता है क्योंकि उसकी सप्लाई स्कार्स होती है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में भी। शॉर्ट रन में सप्लाई ऑफ मैन मेड फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स की अगर हम बात करते हैं, तो शॉर्ट रन में मशीन्स की सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसकी इनकम भी लिमिटेड होगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं एज इफ इनकम या फिर एज इफ रेंट। बट इट इज नॉट कॉल्ड रेंट इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इसी चीज को हम रेंट नहीं कहेंगे क्योंकि लॉन्ग रन में इसकी सप्लाई जो है वो कितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं डिमांड के हिसाब से। तो शॉर्ट रन का यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि शॉर्ट रन में ही कासी रेंट अराइज होता है, लॉन्ग रन में नहीं होता है। और ये किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे जो मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड जो है वो मैन मेड नहीं है, दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो कासी रेंट लैंड पे अप्लाई नहीं होता है। अगर ब्रॉडर सेंस की बात करें तो कासी रेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म। तो अगर ब्रॉडर सेंस में समझा जाए, इन जनरल समझा जाए, तो कासी रेंट किसी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, रिलेट नहीं करता है, बल्कि वो टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म से रिलेटेड है। तो टोटल कॉस्ट की अगर बात की है हमने, तो शॉर्ट रन की कॉस्ट हमें यहाँ पे देखनी है क्योंकि कासी रन शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। शॉर्ट रन की कॉस्ट दो टाइप्स की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड रहती है रिगार्डलेस द आउटपुट, कितना हम आउटपुट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेंट। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती रहती है। शॉर्ट रन में डिमांड के फॉल होने की वजह से फर्म को कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रोडक्शन को जारी रखना होता है क्योंकि वो प्रोडक्शन तब तक कंटिन्यू कर सकती है जब तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है। अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही है उसकी, तो वो वहीं पे ही प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है। तो व्हाट एवर द फर्म्स अर्न इन शॉर्ट पीरियड ओवर एंड अबव द वेरिएबल कॉस्ट, इट इज कॉल्ड द कासी रेंट। कासी रेंट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेयर एज जब हमने एक्चुअल रेंट की बात करी थी, तो एक्चुअल रेंट क्या था? इट वॉज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब इस चीज को मैं एग्जाम्पल की तरह थ्रू समझ लेते हैं। सपोज अ ब्लैंकेट मेकिंग मशीन मेक्स 10 ब्लैंकेट्स अ डे वर्थ ₹100 ईच। तो अगर हम यहाँ से टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, तो टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस ऑफ ब्लैंकेट इज ₹100 एंड 10 ब्लैंकेट्स वी आर मेकिंग, सो टोटल रेवेन्यू विल बी ₹1000। अब इस केस में अगर हम देखें वेरिएबल कॉस्ट हमारी लग रही होगी वूल की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में। सो ये वेरिएबल कॉस्ट हम ₹1000 अगर लेते हैं, तो यहाँ से कासी रेंट कितना आता है? कासी रेंट जीरो आएगा। कासी रेंट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हियर टोटल रेवेन्यू इज 1000 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो 1000। तो यहाँ पे नो कासी रेंट, कोई भी कासी रेंट अराइज नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट पीरियड में अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है इन ब्लैंकेट्स की और प्राइस सपोज हम
इंक्रीज कर देते हैं अप टू 1200 रुपीज। टोटल रेवेन्यू हमारा सपोज 1200 रुपीज हो जाता है, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट अगर सेम रहती है तो हम अर्न करते हैं सरप्लस 200 रुपीज का, जो कि हमारा काशी रेंट होगा। अब इस चीज को हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। सो इस ग्राफ में हमने, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ओपी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है एंड ओक्यू हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, आउटपुट और दी क्वांटिटी। यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया है हमने प्राइस। सो सपोज प्राइस जो है वो ओपी से इंक्रीज होके ओपी वन हो जाता है, तो अगर प्राइस ओपी वन हो रहा है तो हमारा कासी रेंट क्या होगा, हमारा कासी रेंट सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। सो दिस इज आर कासी रेंट, बिकॉज कासी रेंट क्या था, ओवर एंड अबव द टोटल कॉस्ट जो भी होता है हमारा वो होता है कासी रेंट। कासी रेंट इज टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल रिवेन्यू अगर इस केस में हम देखते हैं, टोटल रिवेन्यू कितना है, ओ पी वन आर क्यू, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ओ पी ई क्यू। तो उसको अगर हम देखेंगे एरिया एक्स्ट्रा, तो ये हमारा क्या निकलेगा, कॉसी रेंट निकलेगा। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं हम बिटवीन द रेंट एंड द कॉसी रेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेंट है वो दोनों केसेस में अराइज होगा, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी, लेकिन कॉसी रेंट सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में अराइज होता है, क्योंकि शॉर्ट रन में सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अदर देन लैंड, और लॉन्ग रन में हम उसकी जो भी डिमांड है इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो हम उनकी फैक्टर्स की भी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रेंट जो है एक परमानेंट फिनोमिना है, लेकिन कासी रेंट टेम्परेरी है, ड्यू टू क्योंकि वो शॉर्ट रन में ही आता है, शॉर्ट रन में ही अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट, रेंट जो है वो अराइज होता है जब हम यूज करते हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लाइक लैंड, लेकिन कासी रेंट सिर्फ और सिर्फ मैन मेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अराइज होता है लाइक मशीनरी। फोर्थ पॉइंट इज, रेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। रेंट जो है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है, वेयर एज कासी रेंट जो है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। Thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.